मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्यार भरा, मुस्कान भरा, खूबसूरत नमस्कार। कहते हैं, अगर सुबह उठते ही कुछ अच्छी बातें सुन ली जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो सुनिए उनके विचार मेरी जबानी। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। नरक के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम सब ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तो दोस्तों, इन विचारों के साथ करिए अपने दिन की अच्छी शुरुआत। आप सबको सुप्रभात।